अरे ऊपर खड़े हो। सोच रहे होगा कि मैं इतनी जल्दी त्यार शहर पे कहाँ जा रही हूँ, बैग से पता चल गया कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो स्कूल तो नहीं जा रही मैं, बट अभी ट्यूशन जा रही हूँ और आज सैटरडे है तो इसी जल्दी ट्यूशन रख दिया 9 o'clock। और मैं थोड़ा लेट उठी थी 9:03 पहले, पर नहीं जल्दी तैयारी होगी नहान हो गया तो अभी चलता है ट्यूशन और आपको मैं ट्यूशन से आने के बाद मिलूंगी। ओके, ट्यूशन से अभी घर पहुंची तो मम्मा ने पहले ही खाना तैयार था सो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अपना। मेरे को बहुत भूख लग रही है क्योंकि ट्यूशन से पहले करके नहीं गई थी ब्रेकफास्ट, तो अभी पापा मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में बनाया है आलू बीन्स और साथ में चपाती। सो अभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको ब्रेकफास्ट में बात करते हैं। ओके, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और तो मैं जा रही हूँ अपना होमवर्क करने, तो अभी मैं होमवर्क करूँगी अपना और फिर देखते हैं क्या होता है पूरा दिन आज और सबको दिखाएंगे आपको वीडियो में और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। छुट्टी मरवा दी है, वैसे तो पापा की छुट्टी थी आज बट पापा ऑफिस जा रहे थे, शूज डाल के सब कुछ तैयार शहर होकर जा रहे थे ऑफिस, मैंने जाने नहीं दिया। ठीक किया ना, जन्माष्टमी वाले दिन कौन जाता है। पापा खुश हो आप छुट्टी मार के। अरे कुछ नहीं है, चलो भगवान के नाम पे भी मार लेनी चाहिए इसलिए आज मैंने मार। आज तो आस्ती के नाम पे किया आपने छुट्टी, मैंने बोला था झूला जलाएंगे श्री भगवान कृष्ण भगवान जी को, शाम को बहुत प्रोग्राम है ना मंदिर। हाँ वहाँ पर भी जाएंगे आज शाम को, हाँ मंदिर में चले। और इधर देखो मम्मा यहाँ पे हमारा आटा गूंद रही है। आटा गूंद रही है कि गूंद रही है? गूंद रही है, गूंद रही है, आटा गूंद रही है हमारी मम्मी। देखो छोटा सा प्यारा सा बच्चा आटा गूंद रहा है। नहीं यार मैं तो मैक्रोनी खाने का सोच रही हूँ। पापा मैक्रोनी बना लेनी चाहिए यार, आज जन्माष्टमी है ना। हाँ मेरे को आती है, इतनी टेस्टी बनाती हूँ। अंकुश का पता नहीं है, अंकुश का कर रहा अंदर। हाँ अच्छा चलो अंदर, मैं भी अंदर आ चुकी हूँ। देखो ये प्राणी लैपटॉप पे लगा हुआ है, छोड़ता ही नहीं है, पूरा दिन लगा रहता है। अभी अब मेरे को लगा HTML प्रोग्राम वगैरह कुछ बना रहा है। ये देखो वाह वेरी नाइस। मेरे को कह रहा है चलने का शर्म तो है ही नहीं ना, मेरे वैसे बोल रहा है कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। किसने खिलारा डाल रखा है इसने पूरे बेड पे, इसका ही सामान है सारा। चलो ये टी शर्ट मेरी है, बाकी सारा इसका ही है। देखो और ये भी खिलारा ही खिलारा। सो गाइस मैंने अभी आके देखा और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। अब कृष्ण जी का आज बर्थ हुआ था तो मौसम तो अच्छा होना ही है ना, बहुत तेज तूफान आएगा रात को जब उनका बर्थ होता है। उस टाइम बहुत जोर बारिश 12 बजे उस दिन जब उनका ओरिजिनल जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम कहते हैं इतना ज्यादा तूफान आ गया था कि जो यमुना थी ना तो जब यमुना यमुना जो नदी रिवर है तो वो क्रॉस करके जाना था तो रात को इतना ज्यादा पानी भर गया उसमें। ठीक है कि जब उनके पापा उठा के ले जा रहे फिर वासुकी नाग आए थे। हाँ तो पानी इतना ज्यादा जब जैसे जैसे वो बारिश हो जा रही थी तो पानी का फ्लो उनके बराबर आने लगे, वो कहने लगे कि अब नहीं बचेंगे। लेकिन वो उनको भी नहीं पता था कि भगवान का जन्म हुआ है, उनके पापा को भी नहीं पता था। तो पानी ने क्या करना था कि उनके भगवान कृष्ण जो भगवान थे उनके पैरों को टच करना था। तो जैसे पानी ने टच किया और एकदम नदी जो है धीरे धीरे नीचे जाती नीचे गई। देखा हमें पता था आपको इसके बारे में, मम्मी देखो शॉक्ड है, कैसे सुन रही थी पापा के पास से कितने ध्यान से सुन रही थी। चलो मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ, ऐसा मौसम होना चाहिए, कितना अच्छा मौसम है, इसलिए मैं बोल रही थी कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और अभी हवा भी चली जा रही है लगातार, तूफान आएगा मेरे को लगता है थोड़ी देर में, आई थिंक सो जितना मुझे लगता है, और आना भी होगा आज। थोड़े थोड़े बीच बीच में धूप आ रही है बट अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही धूप, अब सिर्फ यही रह रहा है मौसम लगातार कॉन्स्टेंट, अभी यही वाला मौसम तूफान वाला। और अभी तो इंजॉय कर रहे हैं हम और जन्माष्टमी आज में चावल भी बन के तैयार हैं, पापा ने बनाया है और ये अंकू भी साथ में बैठ के खा रहे हैं और पता नहीं क्यों हंसी जा रहा है। चावल किसने बनाए? चावल मम्मा ने बनाए हैं और सब्जी का तड़का पापा ने लगाया है और अभी हम अपना डिनर करने लगे हैं। और थैंक यू पापा। ओके वेलकम। हम मंदिर जा रहे हैं तो चलते हैं, अभी लॉक लगा के नीचे सारे जा चुके हैं।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम। यहाँ पे बहुत रश है, हम सारे लाइन में घुस चुके हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का। अंदर से मंदिर है कृष्ण जी के दर्शन, और उस साइड प्रोग्राम भी है। कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, कौन कहता है भक्ति में शक्ति नहीं, शायद मीरा की जैसी वो भक्ति नहीं, शायद मीरा की जैसी वो भक्ति नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभ। जो भी है तुझसे है वरना कुछ हम नहीं, जो भी है तुझसे है वरना कुछ हम नहीं, हाथ तेरा है सर पर तो कुछ गम नहीं, हाथ तेरा है सर पर तो कुछ गम नहीं। जो भी है तुझसे है वरना कुछ हम नहीं, जो भी है तुझसे है वरना कुछ हम नहीं, हाथ तेरा है सर पर तो कुछ गम नहीं, हाथ तेरा है सर पर तो कुछ गम नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जान। हम आ चुके हैं दूसरे मंदिर, पहले वाले मंदिर गए थे वहाँ पे आपको दिखाया, अब दूसरे मंदिर आ चुके हैं। कितना रश है ना, ये सुदामा के मित्र हैं, आगे कहानी आएगी वो भी सुनाऊंगा। अब माता कहने लगी डॉक्टर ये जो तेरी thank you।
लक्ष्मी टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स. और अभी हम वापस आ चुके हैं, तो अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी देर में सो जाएंगे. हाय हाय, इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं. तो अभी मेरा ब्लॉग भी यहीं पर एंड होता है. सो होप यू गाइस विल लाइक दिस ब्लॉग. अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा. मिलता है आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल दैट टाइम बाय. She's a